हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीता और मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ किडलो फन लर्न में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अल्फाबेट रिकॉग्निशन एक्टिविटीज पार्ट टू वीडियो। अपने लास्ट वीडियो में, मतलब कि पार्ट वन वीडियो में, मैंने आप लोगों से इंटरेस्टिंग सी 3 एक्टिविटीज शेयर की थी और इस वीडियो में मैं वापस आप लोगों के लिए 3 नई एक्टिविटीज लेकर आई हूँ लेटर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो आज की हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है मैच एंड कवर। योर एक्टिविटीज मैच एंड कवर, इन दैट कलर कोड्स आर ऑलरेडी गिवन। ओके, फॉर ए इट इज अ रेड कलर, ई इट्स अ ब्लू कलर, आई व्हाइट कलर, ओ ग्रीन कलर, यू येलो कलर। हियर द लेटर्स आर इन द कैपिटल, बट हियर इन द बॉक्सेस लेटर्स आर इन लोअर केस, स्मॉल लेटर्स। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड ए, व्हाट इज द कलर कोड फॉर ए? रेड। सो आई एम गोइंग टू पिक द रेड कलर एंड आई एम गोइंग टू कवर ए विथ रेड। So can you do that activity? Yes. Okay, start. This is a very good activity for hand-eye coordination. इस एक्टिविटी से बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन भी काफी इम्प्रूव होता है, बिकॉज इस एक्टिविटी के दौरान बच्चे को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये एक्टिविटी वॉवल्स लेटर्स के साथ बनाई है, लेकिन आप किसी भी लेटर्स के साथ ये एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। So in this activity, you have to find before letter, after letter and between letter. So first is before. What will come before D? Correct. C will come before D. Next is, what will come after A? Answer is B. That's right. And what will come between M and O? Yes, there you go. N is the correct answer. So, ये भी एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है बच्चों को अल्फाबेट्स की और ज्यादा अच्छे से पहचान करवाने के लिए। आई एम श्योर कि इस एक्टिविटी से बच्चे का अल्फाबेट का जो नॉलेज है वो और अच्छे से बढ़ने वाला है। हमारी आज की जो लास्ट एक्टिविटी है वो है अरेंज इन ऑर्डर। एंड दिस एक्टिविटी इज arrange the alphabets in order. Okay, for example, in one group, each group there are 4 letters. So in this group 4 letters are there, so I have to see how can I arrange it. What will come first? A. Then will come B. Then will come C. And the last will be D. So this is how I will arrange A, B, C, D. So can you arrange the remaining 3 groups? ओके, सो स्टार्ट। एक बार जब बच्चा अल्फाबेट सीख जाता है उसके बाद इस एक्टिविटी को एज अ रिविजन के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई एक्टिविटीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।